5 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो आप क्या प्रोग्राम? 2014 में महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव हुए और मालेगांव शहर की आवाम ने उसको चुनकर असेंबली के अंदर भेजा और अक्टूबर 2019 में 5 साल मुकम्मल हो रहे थे। इन 5 सालों के अंदर जो विकास, तामीर, तरक्की, सनत के मसाइल, तालीम के मसाइल, मजदूरों के मसाइल, बुनकरों के मसाइल और शहर के अंदर बड़े बड़े तामीरी काम मैंने किया, चाहे वो हॉस्पिटल के काम हो या गोर गरीबों के काम हो, सब काम लेकर आवाम की अदालत में 5 साल हिसाब 19 जुलाई को बड़े मालेगांव स्कूल के ग्राउंड में हम पेश करने वाला हूँ और शहर की आवाम को गैर सियासी प्रोग्राम हमने इसलिए रखा कि मालेगांव शहर के हर पार्टी को मानने वाले हैं, हर मसलक के उलमा, तालीमी हिस्से के लोग, मजदूर, बुनकर, गरीब, अमीर, सबको बुलाकर हिसाब देने वाले हैं हम और शहर की आवाम कामकाज से अगर मुतमईन होगी मेरे 5 साल और शहर की आवाम अगर मुझको वापस बोलेगी, हमारी पार्टी के सभी लीडरान कार्यकर्ता अगर बोलेगी और शहर की आवाम बोलेगी, तो मैं आइंदा का असेंबली इलेक्शन लड़ने का ऐलान करूंगा। अगर हमारे पार्टी के वर्कर या शहर की आवाम मेरे कामों से मुतमईन नहीं होगी, तो मैंने पहले भी कहा था अटकमी नहीं करूंगा, आज भी वापस कह रहा हूँ कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लपिलवाब और उसकी जो गर्व गायत आप उस बात पे आ आज मालेगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से मैं सभी उर्दू अखबार के नुमाइंदे सभी साफी अधिकार कर रहे हैं, इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ कि आज आप लोग कीमती वक्त निकालकर इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें। आज सभी हम लोग कांग्रेस पार्टी के अहदेदारान उम्मीदवारान आप लोगों के सामने आइए। अक्टूबर 2014 में मालेगांव शहर की आवाम ने एक फैसला लिया असेंबली के इलेक्शन के वक्त, बनाकर असेंबली के अंदर भेजा और अक्टूबर 2019 में 3 महीने के बाद मेरे अपना 5 साल मुकम्मल होने जा रहा है। असेंबली के इलेक्शन का पहला इंतखाबी जलसे आम में मालेगांव शहर की आवाम से वादा किया था और शहर की आवाम के सामने हल्फ लिया था कि मैं सभी समाज, सभी मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलूंगा और आज आपको याद दिला दूं कि उस वक्त मैंने एक बात और कही, 5 साल जो हम वादा कर रहे हैं हम उसको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उस वक्त तो मैंने इस बात का भी शहर के आवाम के सामने वादा किया और आज 5 साल पूरे हो रहे हैं तो हमने इस बात का फैसला किया है जिम्मेदारान ने मिलकर कल रात में अक्टूबर 2019 में जो असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें
चुनाव से पहले आवाम के रूबरू जाकर हमने कौन कौन से काम किए हैं, मुकम्मल उसकी फहरिस्त पूरा हिसाब पांच साल का आवाम के बीच में देने का फैसला हमने किया और बाकायदा सिर्फ वो हवा में बात नहीं बल्कि हम लोग आवाम के सामने लेखा जोखा हिसाब पांच साल का पेश करने का भी हमने फैसला किया और उसी के साथ साथ असेंबली का रिकॉर्ड या शहर के अंदर जो हमने कामकाज किए उसके वीडियो मुकम्मल एक घंटे की एक फिल्म बनाकर स्क्रीन के ऊपर हम लोग शहर के आवाम को बताएंगे, लेखा जोखा भी हाथ में देंगे और बाकायदा आवाम उसको देखे भी कि हम लोगों ने शहर के लिए क्या काम किया है। इस बात का फैसला कल की मीटिंग में हमने किया। 19 जुलाई को मालेगांव हाईस्कूल इरम प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड में एक गैर सियासी, इसके कांग्रेस पार्टी का वहां कोई सिंबल नहीं होगा, कांग्रेस का कोई झंडा नहीं होगा, कांग्रेस का कोई बैनर नहीं होगा और वहां पर एक बड़ा प्रोग्राम के जरिए आवाम की अदालत में हम लोग हाजिर होंगे और लेखा जोखा पेश करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी का झंडा बैनर नहीं होगा। होता यह है कि पार्टी को अलग अलग मानने वाली थी शहर के अंदर, कई लोगों का डिजाइन बना रहता है कि भाई सियासी लोगों से दूरी बना के रखी जाती है, कई ऐसे बड़ा तबका शहर में, कई लोगों को दिक्कतें आती है जो सर्वंट होते हैं गवर्नमेंट सर्वंट, वो लोग सियासी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करते। इसके लिए हम लोग शहर के सभी तालीमी याफ्ता मजहबी रहनुमा समाजी रहनुमा मजदूर बुनकर और गैर सियासी लोग और सियासी लोग या चाहे वो कोई भी पार्टी को मानने वाले हो, हम सब लोगों को दावत पूरे शहर भर के अंदर देंगे और वहां पर बुलाकर हम हमारा पांच साल का हिसाब पेश करने वाले हैं और बाकायदा हम लोग ने इस बात का भी फैसला किया है कि कल के पब्लिक मीटिंग में मैंने मेरी तकरीर के अंदर एक बात वाजे तौर पर कही है जो आज अखबार के अंदर भी खबर छपी है। उस वक्त तो भी 2014 में इलेक्शन में ये बात का मैंने ऐलान किया था कि अगर मैं पांच साल जो वादा कर रहा हूं अगर मैं उसको पूरा नहीं किया तो मैं आइंदा असेंबली इलेक्शन लड़ने की अटर भी नहीं करूंगा। मैं तो पूरी तरीके से हमारे पार्टी के लोग पूरी तरीके से मुतमईन है। मैं ये जरूर ये नहीं कहूंगा कि 100% वादे पे मैं खरा उतरा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 90% वादा जो हमने किया था उसको पूरा करने की हमने कोशिश की और जो वादा नहीं भी किया था शहर की आवाम से जो मसाइल हमारे सामने आते गए उसको भी हमने पूरा करने की कोशिश की है। इसके लिए उस रोज 19 जुलाई को शहर के आवाम के रूबरू हमारा रिपोर्ट पेश कर देंगे, आवाम को बताएंगे कि हमने पांच साल क्या किया है और उसके बाद शहर की आवाम बोलेगी और शहर की आवाम इजाजत देगी
तो आइंदा असेंबली इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए महीने, इस बात का फैसला किया जाएगा। साथ साथ में जो आज हालात इस मुल्क के है, मॉब लिंचिंग के नाम पर मुल्क भर के अंदर अलग अलग रियासतों में जो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, कत्ल कर दिया जा रहा है, जो हालात इस मुल्क के अंदर बन रहे, इसके लिए मालेगांव शहर के अंदर जो जमीयतुल उलमा के ऐलान पर सभी मसलक के लोगों ने, सभी सियासी पार्टी के लोगों ने और शहर की आवाम ने मिलकर जो एहतजाज दर्ज किया है, मैं शहर की आवाम को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन एक एहतजाज हो जाने से लोग खामोश बैठ जाए ऐसा भी नहीं, इसके लिए सिर्फ रास्ते के ऊपर एहतजाज हुआ, शहर में एहतजाज हुआ और आप लोगों ने देखा कि असेंबली में मैंने खुद जिस वक्त यहां मोर्चा चल रहा था, जुलूस चल रहा था, उसी वक्त पर असेंबली के अंदर मैंने इस मामले को उठाया और वहां पर बाकायदा मॉब लिंचिंग के खिलाफ में, फिरका परस्तों के खिलाफ में जोर जबरदस्ती जो की जाती है मुसलमानों के साथ, जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे, वंदे मातरम जबरदस्ती बुलवाया जा रहा, इसके खिलाफ में भी असेंबली के अंदर मैंने आवाज उठाया हूं और कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल वाजे पॉलिसी है, चाहे गली की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, राज्यसभा की बात हो, कांग्रेस पार्टी वहां पर जबरदस्त तरीके के मॉब लिंचिंग के नाम पर सरकार को घेर रही है, मामला उठा रही है। मालेगांव के अंदर भी हम लोगों ने जमीयतुल उलमा के सदर कौन है हमने ये नहीं देखा, ये मसला मिल्ली मसला है, इसके लिए हम लोगों ने बाकायदा पूरी तरीके से हिमायत दी और सभी लोग हम शरीक रहे और आइंदा अगर पूरे महाराष्ट्र में या मुल्क के अंदर ऐसी कोई घटना हो जाए, शहर की मिल्ली तंजीमें चाहे वो कोई भी मसलक की हो, चाहे सामाजिक तंजीमें, जब भी मिल्ली मसले के लिए अगर हम लोगों को आवाज देगी तो हम पार्टी को बाजू में रखकर मिल्ली मसले के लिए बिल्कुल शाना बसाना हम लोग खड़े हैं, पहले भी थे, आज भी है और कल भी हम खड़े रहेंगे। हम सरकार से यही मुतालबा हमने किया, चाहे महाराष्ट्र की हुकूमत हो, चाहे मरकजी हुकूमत हो, कि कानून बनना चाहिए मॉब लिंचिंग जो लोग कर रहे हैं इसके लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है और ये मुतालबा आज हम वापस दोहरा रहे हैं कि इसके ऊपर एक सख्त कानून बनना चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से, आप अखबारात के नुमाइंदे हो, आपका हर सरकारी दफ्तर में जाना होता है, चाहे वो पुलिस महकमा हो या मैसूर महकमा हो, आपका आना जाना लगा रहता है, शहर के हालात, शहर के नौजवान गुस्से में है मॉब लिंचिंग के नाम पर जो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है इस मुल्क में।
मैं आपके माध्यम से शहर वालों से अपील करना चाहता हूं कि अमन बरकरार रखना हमारा अपनी जिम्मेदारी है, हमारा अपना फर्ज है। कुछ दिनों में बकरीद का त्यौहार आने वाला है और बकरीद के त्यौहार के लिए मुसलमान अपना फराइज अंजाम देते हैं, कुर्बानी करते हैं और जानवर जो है कुर्बानी के वो बाहर से लाए जाते हैं, बाहर शहरों से या बकरा लाया जाता है या कानून के दायरे में रहकर जो हुकूमत ने इजाजत दी है वो जानवर लाए जाते हैं, वो शहर के अंदर आना चाहिए और पुलिस भी इसके अंदर शहर वालों की मदद करे। अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो कानून अपना काम करे, हमें उसमें कुछ बोलना नहीं है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर जो जानवर शहर में लाया जाए उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद शहर का अमन बरकरार रखने के लिए, जहां शहर वालों की जिम्मेदारी है वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है कि अमन कैसे बरकरार शहर का रहे, इसके लिए जो गौ रक्षा समिति या फिरका परस्त तंजीमें जो कानून अपने हाथ में लेती है कि शहर के अंदर पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी है, शहर के अंदर गौ रक्षा समिति वालों की वजह से इससे पहले कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस ने ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखते हुए कानून जो लोग हाथ में ले गए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे ये भी कहना है कि जो जानवर शहर में लाए जाए अगर गैर कानूनी क्यों ना हो, अगर पुलिस पकड़ती है तो कानूनी कार्रवाई करे पुलिस, लेकिन जब तक के कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, जब तक के उन्होंने कॉरपोरेशन या कोई प्राइवेट का मतलब बिल्कुल साफ और वाजे कि वो गौशाला वो कोंदवाड़ा जिसमें गौ रक्षा समिति के कोई भी सदस्य उसके अंदर ना हो, जो गैर जानिबदार हो, ऐसी जगह पर रखे गौ रक्षा समिति को ना दे। दूसरी अहम बात मुझे बोलनी है, पुलिस डिपार्टमेंट चाहे वो एडिशनल एसपी साहब हो, डीएसपी साहब हो या पांचों पुलिस स्टेशन के पीआई हो, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लैंड ऑर्डर बरकरार रख रहे हैं, अमन अमान रख रहे हैं और अमन अमान के लिए शहर के अमन अमान के लिए हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन मैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से ये बोलना चाहूंगा कि आपके नीचे में जो अधिकारी है वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, वो गौ बकरीद के आड़ में जानवर के आड़ में कई जास्ती तो नहीं कर रहे, कई लोगों को तकलीफ तो नहीं दे रहे, ये वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी को नजर रखे। कुछ चंद मालूमात मेरे पास आना शुरू हो चुकी है, ये सिर्फ वो विशेष पूरा 24 घंटा सिर्फ इसी काम के अंदर कुछ पुलिस ऑफिसर लगा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई गैर कानूनी करता है तो वो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो कानून के दायरे के अंदर है उसके ऊपर भी अगर सख्ती की जाए और शहर का नामा अगर उस पुलिस ऑफिसर या जो लोग कर रहे हैं उनकी वजह से खराब हो जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट इसकी जवाबदार होगी। ये आज मुझे बात आपसे कहनी थी और ये मैं बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं। खास तौर से
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 19 तारीख के प्रोग्राम के ताल्लुक से दी जा रही है। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी 19 तारीख को शरीक रहे, अपनी आंखों से 5 साल की कारकर्दगी देखे, लेखा जोखा हमारा 5 साल का देखे, और हर साल सिर्फ ये साल मैं हिसाब दे रहा हूं या अवामी अदालत में जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। पहले साल भी हमने हिसाब किया, दूसरे साल भी दिया, तीसरे साल भी दिया, चौथे साल भी दिया, और पांचवें साल हम मौके से पहले दे रहे हैं। हो सकता है कि इन 2-3 महीनों के अंदर और बड़े काम मंजूरी की मेरी कोशिश जारी है, वो आपके टाइम तक आ सकते हैं, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं होगा तो आएगा तो हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि शहर की आवाम इत्मीनान करेगी, शहर की आवाम उसको बोलेगी, हमारे वर्कर बोलेंगे, तो मैं असेंबली की उम्मीदवारी करूंगा, और अगर मैंने काम किया है तो उम्मीदवारी करूंगा। शहर के आवाम ने ये बात को झुठला दिया कि तुमने शहर में काम नहीं किया, तो फिर शहर की आवाम जो बोलेगी वो काम करने वाला है। नहीं, मुझे आज आप लोगों के सामने बात रखनी थी, और बाकायदा कुछ स्लोगन और कुछ ये चीजें हमने बनाई है जो हम उसको आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, और ये स्लोगन हमारा रहेगा 5 साल बेमिसाल। ये स्लोगन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं, और ये स्लोगन का भी आप लोगों के सामने इजरा होगा। ये एक सिंबल है 5 साल बेमिसाल, और इस मरकजी ख्याल को लेकर हम लोग इलेक्शन में और आवाम के दरमियान उतरेंगे, और इसी के ऊपर सामने वाले से भी निपटेंगे, और अपनी बात की भी सफाई देगी, अपनी कारकर्दगी भी बताएंगे, और सामने वाले जो पूछेंगे भी इसी के महवर पे हम इंशाल्लाह इसी के इर्द गिर्द इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। अरे साहब ये ज्यारत ये है क्या यार तुम्हारा भी, ये देखो 3 फोटो हो गया, तुम बोले अभी एक और लेना पड़ा दूर। नहीं नहीं दाग ये 3 यार।